हेलो रिबॉन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट अरुण। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनके दिल के मैसेजेस क्या है। सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है, या फिर बात भी हो रही है ना लेकिन दिल की बात नहीं समझ में आ रही है, कह नहीं रहे हैं या फिर कहते कहते रुक जाते हैं। सो सिचुएशन के लिए रीडिंग हो रही है। सबोटाज, अनवर्दी, यू आर बेटर पर्सन देन आई एम। सबोटाज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट अवर द पास्ट। होप, आई हैवन गिवन अप ऑन अस येट। एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। थर्ड पार्टी, देर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑन वे ऑफ अस बिंग टूगेदर। सो शाम की रीडिंग में मैंने कहा था ना कि ये अगर आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी है, स्पेशली कोई पर्सन है, फैमिली हो सकती है, या फिर ये पर्सन मैरिड होने के चांसेस, या फिर कहीं कमिटेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोई है जो इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा रिलेशन में है, उनके रिलेशन में, तो वो चीज़ फील हुई थी। सो इनकी तरफ से थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं और थर्ड पार्टी की वजह से ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आ नहीं पा रहे हैं, या फिर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है, कर नहीं पा रहे हैं। सो इनका इनकी तरफ से मैसेजेस हैं कि इन्होंने जो चीज़ें ख़राब की है, ये उनका एहसास है, गिल्ट है उनको, माफ़ी मांग रहे हैं आपसे कि इन्होंने जो पास्ट में खास करके आपके साथ जो गलत किया है, या गलती से कुछ शब्द बोले हैं, या गलती से बिहेवियर किया है ना, अचानक से घोस्ट हो जाना, लाइक ना अचानक से गायब होना जा वो चीज़ वगैरह से, वो चीज़ है। और अभी इस एनर्जी में, अभी इस एनर्जी में जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी तरफ से मैसेज ये है कि आप ना बहुत अच्छे इंसान हैं, स्पेशली प्यार के मामले में तो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, और इनसे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इनको खुद को ऐसा लग रहा ना कि आप, ये आपके लायक नहीं है समटाइम्स, और इन्हें कहीं ना कहीं होप है कि चीज़ें बदलेगी, जो भी सिचुएशन है चीज़ें बदलेगी। और इन्होंने सिचुएशन में ऐसा लग रहा है ना, होप रखना शुरू किया है, या इन्हें ऐसा लगता है ना कि नहीं, अगर होप रखने से ही कुछ होगा, स्पेशली ऐसा ना आपके ना होने से इनका लक खराब हो रहा है, लक खराब हो रहा है। सो इन्हें एक तो चीज़ का एहसास हो रहा है कि गलती का एहसास, और जैसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी का जो मैसेज है कि इन्होंने चीज़ें बिगाड़ी है जाने अनजाने में, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। उस वक्त शायद वो किसी और तरीके से भी बात कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा ना, स्पेशली ऐसा लग रहा ना, आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेना अभी इनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। लेट्स वर्क ऑन अवर ड्रीम्स टुगेदर। सो अभी ऐसा लगता है ना कि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि हमें, मुझे इस रिश्ते में अभी ना वर्क करना चाहिए, स्पेशली हमने जो एक सपने देख रहे साथ में, उनके ऊपर साथ में काम करना चाहिए। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। इन्होंने, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये कुछ आपको लेसन सिखाना चाहते थे, इसके लिए इन्होंने ऐसा बिहेव किया। शायद आपसे गुस्सा था, नाराज़ थे, या आपको ना मिसअंडरस्टैंड किया था। माई लव इज़ अनकंडीशनल। सो इनको जो आपसे प्यार हुआ है अभी रिसेंटली, बहुत नए से शुरुआत हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि इनका जो प्यार है आपके लिए वो अनकंडीशनल है, बहुत प्यार करने लगे आपसे। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। सो आपके सपने ये अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे ये मैसेज में ऐसा लगा कि ये कहना चाहते हैं कि ये स्पेशली ना कमिटमेंट वाली चीज़ है, सॉरी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते फिलहाल की एनर्जी में। I feel romantic for you. आपके लिए बहुत ज़्यादा romantic feel कर रहे हैं। I don't know the reason behind this. इन्हें जो भी हो रहा है ना, उसकी
पीछे का रीज़न समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. स्पेशली हो सकता है कि आपका बिहेवियर समझ नहीं आ रहा है. यू डिज़र्व बेटर देन मी. दो बार ये मैसेज आया है कि इन्होंने कहा है कि आप है ना बहुत बेहतर इंसान हैं और ये आपको डिज़र्व नहीं करते, इनफैक्ट आप और अच्छा इंसान डिज़र्व करते हैं. आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू. इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाई हैं. एक छुपाने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. और तो मैसेजेस, प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ. मैं प्लीज़ वर्ड मेरी तरफ से ऐड कर रही हूँ, बट कम बैक इन माई लाइफ इनकी तरफ से मैसेजेस हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ. आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू. सो गलती का एहसास है, गलती का एहसास है क्योंकि इन्होंने आपसे बहुत सारे सच छुपाए रखे हैं, वो नहीं करने चाहिए थे, इस बात का एहसास हो रहा है. यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड. शायद कुछ लोग के ना ये बस रिश्ता दोस्ती तक ही रखना चाहते थे, या दोस्त बार बार दोस्त कहते हैं कि बस हमारी दोस्ती अच्छी है, दोस्त हम अच्छे दोस्त हैं वगैरह सब बोल रहे हैं, रिश्ते को शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. तो इनका अभी मैसेज ये है कि आप फ्रेंड्स से भी ज़्यादा बढ़कर हों आपके लिए, तो वो चीज़ है. तो ये थे मैसेजेस उनकी तरफ से. आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स.